नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। सुदर्शन चैनल के मालिक सुदर्शन चैनल को न्यूज चैनल मत कहिए, क्योंकि वो न्यूज के नाम पर एक बदनुमा दाग है और उस सुदर्शन चैनल को न्यूज चैनल बुलाना तमाम न्यूज चैनल की बेइज्जती है। सुदर्शन चैनल के मालिक सुरेश चौहान के, जो कि अपनी घटिया सोच, घटिया बर्ताव और घटिया ट्वीट्स के लिए जग जाहिर है, उनकी जो ख्याति है या कुख्याति है जो उनकी, वो जग जाहिर है। और किस तरह से वो भारत के मुसलमानों को कठमुल्ला कहते हैं, किस तरह से इस्लाम के प्रति वो नफरत रखते हैं, ये जग जाहिर है। लेकिन सुदर्शन चैनल के मालिक सुरेश चौहान के का जिक्र आज हम क्यों कर रहे हैं, क्यों आज हम आपको उनके बारे में बात बता रहे हैं? दरअसल 5 अगस्त को होने वाले अयोध्या में भूमि पूजन समारोह के लिए वो अयोध्या जा रहे थे। रास्ते में उनको किसी ने भगवान राम की एक प्रतिमा जो है, एक फोटो जो है, वो चित्र जो है, वो उनको भेंट किया। इस प्रतिमा के ऊपर हरे रंग का जो है वो लिफाफा, पैकिंग का जो लिफाफा होता है, वो चढ़ा हुआ था। इसी को लेकर के सुरेश चौहान के ने जिस तरह से अपना घटिया बर्ताव का जो है वो प्रदर्शन किया, वो वायरल हो रहा है और लोग उनको जम करके एक बार फिर से लताड़ रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अयोध्या जाते वक्त हरा रंग जो है वो मेरे सामने आया और फिर क्या हुआ, आप ये खुद ट्वीट देखिए और ये वीडियो देखिए। राम जी का दे रहे हो, वो भी हरा रंग लगा वो मर्जी राम जी का दे रहे हो, वो भी हरा रंग लगा लेकिन सुरेश चौहान के जैसे लोगों से यह पूछा जाना चाहिए कि हरे रंग से वो इतने नफरत करते हैं, इस नफरत के चलते क्या वो इस बात का उत्तर दे पाएंगे कि 5 अगस्त बुधवार को, जिस दिन रामलला भूमि पूजन होना है, उस दिन रामलला खुद जो है वो हरे रंग की पोशाक पहनेंगे। तो क्या हरे रंग की पोशाक जो राम जी पहनेंगे, उस पोशाक को भी ये उतरवा देंगे? इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। इनसे यह भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि हमारे तिरंगे झंडे के अंदर जो हरे रंग की पट्टी है, क्या इसलिए फिर ये तिरंगे झंडे को नहीं फहराएंगे, उसको सैल्यूट नहीं करेंगे? इनसे यह भी सवाल पूछा जाना चाहिए। और इनसे यह भी पूछा जाना चाहिए कि क्या फिर ये तिरंगे की जगह जो है वो भगवा रंग को जो है वो अपना राष्ट्रीय ध्वज मानते हैं? ये तमाम सवाल है जो कि ऐसी सोच वाले व्यक्तियों से पूछे जाने चाहिए। और इनसे यह भी पूछा जाना चाहिए कि जिस स्टूडियो में बैठ करके ये जिस तरह की अनाप शनाप बातें करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि उसी स्टूडियो में पीछे हरे रंग का पर्दा लगा होता है और उस हरे रंग के पर्दे की वजह से ही ये एक सॉफ्टवेयर के अंदर ये इस तरह से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग किया गया है कि हरा रंग का पर्दा ही केवल वहां पर सूट करता है, हरे रंग के पर्दे के अलावा कोई रंग का पर्दा जो है वो नहीं चल सकता है। ये तमाम न्यूज चैनल के अंदर इस तरह की बात होती है। और हम भी जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो हमारे पीछे भी हरे रंग का पर्दा है, तो क्या हरे रंग का पर्दा ये अपने न्यूज रूम में, न्यूज स्टूडियो में जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे? किस तरह की घटिया सोच है और किस तरह से अपनी राजनीति चमकाने के लिए और किस तरह से अपने आप को जो है वो कट्टरवादी हिंदू दिखाने के लिए किस तरह से ये लोगों के दिमाग के अंदर जो है वो जहर घोल रहे हैं, वो आपके सामने है। किस बीमार मानसिकता के ये लोग हैं और किस तरह से एक रंग विशेष को, रंग जिसका कोई रंग नहीं होता है, उस रंग को नाम हमने दिया है कि ये अपनी पहचान के लिए, ये लाल रंग है, ये हरा रंग है, ये पीला है, ये नीला है, ये केसरी है, ये तमाम जो पहचान जो दी है वो इंसान ने खुद दी है, अपनी सहूलियत के लिए दी है। लेकिन कोई इंसान इतना गिर सकता है, उसकी सोच इतनी गिर सकती है, वो इतना कमीना और इतना घटिया उसकी सोच हो सकती है कि वो रंग को भी जो है वो हिंदू मुसलमान अब कर रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है कि सुरेश चौहान के जो है वो इस तरह से का बर्ताव कर रहे हैं या रंग को लेकर के उनकी जो रंग भेदी जो नस्लवादी जो सोच है वो पहली बार सामने आई है, ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले जब कोरोना को लेकर के खुद भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने अलग अलग जोन जो है वो डिसाइड किए थे, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन, अलग अलग जोन जब डिसाइड किए थे, उस वक्त भी सुरेश चौहान के ने ट्वीट करते हुए इस पर आपत्ति जताई थी। सुरेश चौहान के ने कहा था कि कोरोना प्रभावित जोन के रंगों को निर्धारित करने पर मुझे सख्त आपत्ति है, जहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव है वो रेड नहीं बल्कि ग्रीन जोन कहा जाए और कोरोना मुक्त क्षेत्रों को ऑरेंज जोन माना जाए।
किस तरह से देखिए कि इनकी जो घटिया सोच है, घटिया मानसिकता है, वो झलकती है कि एक बीमारी को लेकर भी जो है वो हरा रंग का वायरस बताते हैं, एक हरे रंग को जो है ये इस्लाम के साथ में जोड़ देते हैं, जबकि इनको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हरा रंग तो जो है वो हरियाली का प्रतीक है। हमें पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन देते हैं, तमाम पेड़ पौधे हरे रंग के हैं, तो क्या आप उन पेड़ पौधों को काट देंगे? और इसके बाद में खुद सुरेश चौहान के जो है वो ट्विटर पर ट्रोल हो गए, और ट्रोल किस लिए हुए, क्योंकि उन्होंने खुद जो है भगत सिंह की प्रतिमा पर फूल अर्पित करते हुए हरे रंग का कुर्ता पहना हुआ है, और इस कुर्ते वाली ट्वीट जो तस्वीर है इसको जो है लोग रीट्वीट करते हुए, उन्हीं का खुद का ट्वीट है ये, और इसी को रीट्वीट करते हुए उन्हें उनको जो है वो लोग जो है वो ट्रोल करने लगे। और इस ट्वीट में सुरेश चौहान के ने, ये 2016 का ट्वीट है, और इस ट्वीट में देखिए किस तरह की घटिया जो है वो हिंदी और गलत हिंदी का जो है वो प्रयोग किया हुआ है। सुप्रभात हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की जगह हिंदुस्तान, और महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। सुदर्शन न्यूज टीवी मीडिया, मीडिया देखिए मीडिया गलत लिखा हुआ है, मंदिर में पूजन करते हुए, किस तरह से गलत हिंदी का, क्योंकि हिंदी इनको आती नहीं है, पत्रकारिता इनको आती नहीं है, केवल एक ही काम आता है कि नफरत फैलाना, और उस नफरत फैलाने के लिए कहां से कैसे क्या जुगाड़ किया जाए वो सबके सामने है, और गाहे बगाहे जो है ये अपनी बुद्धि का जो है वो प्रदर्शन करते रहते हैं। किस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो इनके ट्वीट्स को लेकर के इनको लताड़ लगाती रही है, और किस तरह से ये फर्जी ट्वीट करते हुए पाए जाते हैं, और उसके बाद में ये ट्वीट आपके सामने है, और इस ट्वीट में देखिए आप कि बुलंदशहर की जो पुलिस है वो इनको लताड़ रही है कि आपने ये जो ट्वीट किया है ये फर्जी ट्वीट है। लेकिन सुरेश चौहान के का पत्रकारिता के साथ में और सच्चाई के साथ में कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये अपने दफ्तर के अंदर कलम से ज्यादा हथियार रखते हैं, ये अपने हाथ में माइक से ज्यादा तलवार पकड़ते हैं, तो किस तरह का पत्रकार है ये? ये पत्रकार नहीं है, बल्कि एक ये उन्मादी जो है वो गुंडे उग्रवादी जो है उस तरह के व्यक्तित्व वाले जो है वो व्यक्ति हैं। लेकिन साफ तौर पर आप देखिए कि ऐसे व्यक्ति जो कि सत्ता के संरक्षण में फल फूल रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इन्हीं के ऊपर 2016 में नवंबर 2016 में इन्हीं की एक मीडियाकर्मी ने, इनके साथ में काम करने वाली एक लड़की ने, एक युवती ने इनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया था। उस युवती ने कहा था कि पहले इनका बलात्कार जो है वो सुरेश चौहान के दफ्तर में उनके वहां पर हुआ, और उसके बाद में आसाराम के बेटे नारायण स्वामी का इंटरव्यू लेने जाना था और वहां पर भी उनका बलात्कार किया गया। 11 आईपीसी की धाराओं के तहत इन पर मामले दर्ज हैं, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई इन पर खासी आज तक हुई नहीं है। एक बार गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई जमकर के जिस तरह से होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरेश चौहान के की हिम्मत इतनी ज्यादा है, सत्ता का संरक्षण उसको इतना ज्यादा प्राप्त है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किस तरह की टिप्पणी करते हैं वो आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करते हुए उनका ये ट्वीट है, 2018 का ये ट्वीट है, जज सांप साहब की जगह जो है वो सांप का नाम लिया है, सुप्रीम कोर्ट की जगह जो है सुप्रीम कोठे सांस्कृतिक आतंकवाद के आक्रमण के सबसे बड़े स्लीपर सेल है। धारा 497, धारा 377, सबरीमाला जैसे कई उदाहरण भी इन्होंने गलत लिखा है, इसके प्रमाण है, प्रमाण भी गलत है, इनके प्रमाण भी इनको नहीं आता है, इसलिए इन निर्णयों को बदलो, धारा 497, धारा 370 पुनः लागू करो, धारा 497 विभ्याचार एडल्ट्री एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स। ये ट्वीट जो है वो 2018 में सुरेश चौहान के ने किया था, और आप देखिए कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किस तरह की टिप्पणी जो है वो इस शख्स ने की है। लेकिन उसके बाद में भी ये शख्स जो है वो खुलेआम घूम रहा है। इससे पहले भी इसी तरह से इन्होंने एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में जो बिजनौर के एक मुस्लिम बुजुर्ग शख्स थे उसको लेकर भी एक फर्जी ट्वीट किया, जिसको लेकर भी इनको वहां की उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो है बिजनौर पुलिस ने वो लताड़ लगाई थी। ये तमाम वो ट्वीट है जो साबित करते हैं कि सुरेश चौहान के जैसे लोग और इस तरह की मानसिकता वाले लोग जो है वो किस तरह से समाज को जो है वो गंदा कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता का संरक्षण इनको प्राप्त है, और सत्ता चाहती है कि इस प्रकार के जो कीड़े मकोड़े हैं, इस प्रकार के जो नस्ल भेदी और इस प्रकार के जो नफरती मानसिकता के लोग हैं वो इसी तरह से पनपते रहें, इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, ताकि जो उनके अंधभक्त हैं उनको खुराक मिलती रहे। लेकिन आप अपने बच्चों को, आप अपने आप को ऐसे न्यूज चैनल से, ऐसे व्यक्तियों से दूर रखिए,
क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि कुछ ही दिन पहले सब्जियों में भी जो है वो हरा और जो है वो लाल रंग में बांट रहे थे। ये हरी सब्जियों को जो है वो बायकॉट करने की बात कर रहे थे। जब से सबसे ज्यादा सब्जियां जो है हरी सब्जी खानी चाहिए इसकी तो सलाह डॉक्टर देते हैं, लेकिन इनकी मानसिकता इतनी गिर गई है कि ये लोग कहते हैं कि हरी सब्जियों को भी बायकॉट कर दीजिए। और फल और सब्जियों में भी जो है इन्होंने अलग अलग जो है वो नाम दे दिए थे। और फल और सब्जियों में भी जो है आरएसएस की अलग दुकान है और हरे रंग की जो दुकान है वो अलग दुकान है। इस तरह के जो प्रपंच हैं वो पहले भी देखे गए, लेकिन आप सोचिए और आप गहराई से सोचिए कि जो दिखते हैं वो अंदर से है नहीं। ये अंदर से जो है ये किस तरह से दोहरी मानसिकता के शिकार हैं, इसका एक उदाहरण आपको सुब्रमण्यम स्वामी से देखने को मिलेगा। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि अपने आप को सबसे बड़ा जो है वो हिंदूवादी नेता कहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जो अपने आप को जो है सबसे कट्टर जो है वो हिंदूवादी नेता कहते हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी की जो सच्चाई है, जो उनके परिवार की सच्चाई है, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में दिलचस्प ये है कि वो खुद हिंदू हैं, हिंदू हितों की बात करते हैं, लेकिन स्वामी के परिवार में हर धर्म के लोग हैं। स्वामी की पत्नी जो है वो पारसी है, उनकी भाभी ईसाई है, दामाद मुसलमान है और बहनोई यहूदी है। तो ये है इनकी सच्चाई जो बाहर ये दिखाते हैं, अंदर से ये किस रंग के हैं वो आप खुद देख लीजिए। दरअसल इनको अपने प्रोपेगेंडे से मतलब है, इनको किसी की जात से किसी के धर्म से कोई मतलब नहीं है, इनको अपने प्रोपेगेंडे से मतलब है। और इनके प्रोपेगेंडे में सूट करता है कि आप मुसलमानों को गाली दीजिए, आप इस्लाम को गाली दीजिए, आप हरे रंग को गाली दीजिए, और इस तरह से आपका प्रोपेगेंडा जो है वो बड़ा होता है। इसलिए ऐसे लोगों से बचिए और ऐसे लोगों का चैनल और ऐसे लोगों का जो प्रोग्राम है उसका बायकॉट करिए, क्योंकि ये लोग जो है न्यूज स्टूडियो में बैठ करके न्यूज के नाम पर आपके दिमाग के अंदर, आपके बच्चों के दिमाग के अंदर, आपके परिवार के अंदर जहर घोल रहे हैं। ये आपके बच्चों को मॉब लिंचिंग का शिकार बना देंगे, उनको एक दिन आतंकवादी बना देंगे आप ही के घर पर बैठे बैठे। इसलिए ऐसे लोगों से जरूर बचिए। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।